सभी नए एक्टर के मन में यह सवाल हमेशा बना रहता है कि जो ऑडिशन देने हैं उसके लिए क्या कोई पैसे देने पड़ते हैं, कोई फीस देनी पड़ती है, देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है। ऐसा ही एक सवाल हमसे पूछा गया #MyMentor में, जिसका जवाब मिलेगा आपको आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरिधर राठौर, वेलकम टू फिल्मी फंडे जॉइन फिल्म्स डॉट कॉम, और हमेशा की तरह #MyMentor का जवाब लेकर वीडियो में आप लोगों के सामने हो। आज का जो ये क्वेश्चन है ये पूछा है नेक्स्ट बिग थिंग ने #MyMentor करके कि सर फिल्म या सीरियल ऑडिशन के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं क्या। कई लोगों के लिए बड़ा सिली क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं जानता हूँ नए लोगों के मन में हमेशा ये डाउट बना रहता है कि क्या कोई पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि हमेशा से सुनते आए हैं कि कहीं भी जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। मैं आपको बहुत क्लियर कर दूँ कि ऑडिशन की कोई भी कभी भी फीस नहीं दी जाती है, नहीं ली जाती है। हाँ, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर, कुछ कोऑर्डिनेटर्स अपनी कंपनी में रजिस्टर्ड होने की कुछ फीस या चार्जेस मांगते हैं, तो आपको बस ये करना है कि पहले अच्छे से सर्च करें, गूगल पे जाके आप पढ़ें उन्होंने पहले क्या किया है, वो कैसे काम करते हैं, उनके ऑफिस में जाके देखिए कि उनका कैसा रेपो रिलेशन है, कैसे रेपुटेशन है, वो किस तरह से ऑडिशन लेते हैं। उसके बाद अगर आपको सब कुछ ठीक लगे तो ही कुछ चार्जेस दीजिएगा, अदरवाइज मत दीजिएगा। वैसे भी मैंने फेक ऑडिशन पे और फेक एजेंसीज पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं ऑलरेडी, ताकि आप लोग के साथ कभी भी कोई भी धोखा ना कर सके। तो आप प्लीज़ इन सारे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा एक एक करके, ताकि आपसे कभी भी कोई धोखा ना कर पाए। एक और बात मैं आपको बता दूं कि रेगुलर प्रोडक्शन हाउसेज जो कि ऑडिशन लेते हैं वो कभी भी आपसे कोई फीस नहीं मांगेंगे, कभी भी नहीं मांगे। कोई भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो, रेगुलर प्रोडक्शन हाउस हो, वो किसी भी ऑडिशन की कोई फीस नहीं लेता, क्योंकि उसको तो एक अच्छा एक्टर चाहिए। अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो वो आपको पेमेंट करने वाला है, ना कि आपसे कोई फीस लेने वाला है। जो भी कास्टिंग डायरेक्टर ऐसी फीस लेते हैं, आप अगर उनके ऑफिस में जाके देखेंगे और देखेंगे कि हाँ ये लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो आप चार्जेस दे सकते हैं। लेकिन वो चार्जेस भी ज्यादातर कास्टिंग डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर बहुत नॉमिनल लेते हैं, 1,000, 1,500, 2,000, इससे ऊपर नहीं लेते हैं। तो इससे ऊपर हो तो बहुत बार सोचें, एक बार में आप उनके बहकावे में आके, सर भुलावे में आके पैसे देकर ना आ जाएं। एक और चीज मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन यहां पे इस वीडियो में इसलिए बोल रहा हूं ताकि अगर मान लो किसी ने वो वीडियो नहीं देखे तो भी वो बच जाएं। कई बार ये लोग डायरेक्टली आपसे ऑडिशन का रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं मांगते, आपसे पोर्टफोलियो के नाम पे पैसे मांगते हैं या फिर आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे पैसे मांगते हैं। तो प्लीज एकदम सचेत हो जाइए, मना करके आ जाइए। आर्टिस्ट कार्ड पे ऑलरेडी एक वीडियो है, उसको पूरा तरह से देखिए, और जब भी आर्टिस्ट कार्ड बनाना हो तो खुद बनवाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो में डिटेल दी हुई है। पोर्टफोलियो बनाना है खुद बनवाइए, अलग से बनवाइए, अपने बजट में बनवाइए, ज्यादा महंगा पोर्टफोलियो की कोई जरूरत नहीं। ये वीडियो भी ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लीज उसको देखिए और प्लीज इन चक्करों में ना पड़े। मेरा जवाब यही है कि ऑडिशन की कोई भी फीस, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। आपके मन में भी दिलो दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो #MyMentor करके पूछें, मैं उसका जवाब का वीडियो लेकर जल्दी से जल्दी आपके सामने आ जाऊंगा। इसी तरह से अपना प्यार बना के रखिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, ताकि जो भी लोग नए इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, और वो लोग भी आप ही की तरह फायदा उठा सके, इस इंडस्ट्री को जल्द से जल्द ज्वाइन कर पाए। आप लोग सब लोग एक कामयाब प्रोफेशनल बने इस फिल्म इंडस्ट्री में, यही मेरी विशेष है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।